SKM 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM प्रेसिडेंट की हिदायत पर AIMIM फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मिर्ज़ा रहमत बे खादरी AIMIM MLC बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन किशनबाग डिवीजन कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा नवाजुद्दीन अहमद कॉरपोरेटर ने अर्श महल किशनबाग का तफसीली तौर पर दौरा किया। इस मौके पर GHMC जोनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर वाटरवर्क्स GM DGM और साथ में राजेंद्र नगर के सीनियर लीडर मुर्तजा अली भी मौजूद थे। इस मौके पर तमाम ने मिलकर किशनबाग डिवीजन अर्श महल का पैदल तफसीली तौर पर दौरा किया और अवाम के मसाइल को जल्द से जल्द करने का वादा किया। AIMIM MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरा रुकन असम्बली ने बहादुरपुरा हलके के तहत कई सारे मसाइल को हल करवाया है और मुसलसिल बारिश की वजह से कुछ कामों को रोक दिया गया था, लेकिन जल्द से जल्द तमाम कामों को मुकम्मल करवाते हुए अवाम को राहत पहुँचाई जाएगी। इस तफसीली दौरे के मौके पर तमाम सीनियर ऑफिसर्स के अलावा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और दीगर भी मौजूद थे और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद इस्माइल की यह खसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर खास और अहम खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर बहादुरपुरा रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद मुबीन साहब और मैं और हमारे कारपेटर हुसैनी पाशा साहब और नवाजुद्दीन अहमद साहब कारपेटर अर्श महल के ऊपर आज तफसीली दौरा किया गया, जो कि राजेंद्र नगर असम्बली हल्का और बहादुरपुरे असम्बली हल्के के बॉर्डर पे आउटलेट का प्रॉब्लम है सीवरेज की लाइन का। और सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर एक बाढ़ नाले का काम चल रहा है। आज से 2 महीने पहले वो काम का आगाज हुआ। यहाँ के मुकामी रुकन असम्बली जनाब मोहम्मद मुबीन साहब आकर तो काम को चालू करवाए थे, मगर बारिश की वजह से वो काम आधा होकर रुक गया। वो काम के ताल्लुक से भी ZC साउथ जोन जनाब वेंकना साहब को बताया गया कि जल्द से जल्द वो काम भी थोड़ा थोड़ा बिटों में करने के लिए, और एक सीवरेज लाइन जो है 9 नंबर से आ रही है अर्श महल को, तो उसको लाइन को चेंज करने के लिए बताया गया, क्योंकि ओवरलोड हो जा रहा नीचे लाइन आगे पास। उसमें 450 mm डाया 300 mm डाया के ताल्लुक से राजेंद्र नगर के कंसर्ट वाटर वर्क के डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को बताया गया, जब तक बकेट मशीन लगा के क्लीन करने के लिए जो नाला है स्टॉम वाटर ड्रेन उसको बताया गया। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रहती है, यहाँ पर भी कई मसाइल थे। यहाँ के रुकन असम्बली मुबीन साहब यहाँ के मसलों को तकरीबन सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हल करे हैं और ये भी काम जल्द से जल्द होगा, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा लोड होने की वजह से पानी ओवरफ्लो भी हो रहा है। उस ताल्लुक से भी ZC साहब को बताया गया बकेट क्लीनिंग मशीन लगाकर साफ करवाने के लिए, और मीरालम के पास जो आउटलेट के पास भी एक ग्रिल जाली लगाने के लिए बताया गया, क्योंकि नाले में कचरा फेंक दे रहे हैं उसकी वजह से भी पानी रुक रहा है। तो तमाम आज के दौरे की डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पेश की जाएगी। इस दौरे में यहाँ के राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के ऑफिसर्स और बहादुरपुर के ऑफिसर्स पूरे तमाम मौजूद थे। जल्द से जल्द इसके शुमेर बनाया जाएगा और नाले का काम भी आज ही MLA साहब जो कंट्रैक्टर है उनको बुलाकर बात करके फिर से काम चालू कराने के लिए बताया जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।